ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज 11.1 है जो मैंने आपके साथ डिटेल में जस्ट अभी डिस्कस की है। तो मैंने आपको एक बार फिर से रिव्यू करा देता हूँ। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो बच्चों इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बीटा एंगल जो बनाती है अल्फा बीटा गामा, अगर हम उनका कोसाइन ले लेते हैं तो वो बन जाते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिसको हम रिस्पेक्टिवली एलएमएन के नाम से जानते हैं। तो आपका ये बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स। तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन लेने के लिए आपने कुछ नहीं किया, सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है। आपने कॉस 90 कॉस 135 कॉस 45 निकाला और आपके डायरेक्शन कोसाइन निकल करके आ गए। उसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये आपका वेक्टर्स का ही क्वेश्चन है, और अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो उसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तब वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये तीनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे कॉस अल्फा में, और मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 होता है डायरेक्शन कोसाइन का तो हम 1 कर देंगे। तो यहां से आपके पास ये जो इक्वल एंगल्स हैं वो निकल के आ जाएंगे उस लाइन के, और डायरेक्शन कोसाइंस भी आपको पता पड़ जाएंगे। उसके बाद बच्चों मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया कि अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवेन हो और उसको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बन रहा होगा उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास जो कंपोनेंट निकल के आएंगे दिस इज कॉल्ड एल एम एन, वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन को। यानी जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपने -18 को डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर दैट इज -18i कैप प्लस 12j कैप -4k कैप के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, उसी तरीके से 12 को डिवाइड किया, उसी तरीके से -4 को डिवाइड किया, और ऐसा करने पर आपके पास ये फाइनल आंसर निकल के आ गया। और अभी हमने जस्ट जो आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि अगर आपके पास ट्राइंगल गिवन है ABC, वर्टिसेस गिवन है उस ट्राइंगल के, तो वर्टिसेस जब गिवन होते हैं यानी ए और बी गिवन है, बी और सी गिवन है, सी और ए गिवन है, तो ए और बी के अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो पहले ए बी का आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए। और किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, इसको यूज करके हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम क्या करते हैं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ जाएंगे। सिमिलरली आप बी सी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, सिमिलरली आप सी ए लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद आपके पास आंसर कुछ इस तरह से मैच करेगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.2 के कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो बच्चों यहां पर 11.2 के कॉन्सेप्ट्स की तरफ अब हम आ चुके हैं। अब मेरे को आइडिया नहीं है कि आप कितना पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, वो तो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ उसी से मेरे को आइडिया लगता चला जाएगा। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे अब ये चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई लाइन है अगर वो किसी फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रही है और वो किसी गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है ध्यान से देखिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर कोई लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, पोजीशन वेक्टर ए का मतलब है उस ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, जिसको आप x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप भी लिख सकते हैं, और ये लाइन किसी गिवन लाइन के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपके पास गिवन है विच इज इक्वल टू बी, तो बच्चों आप बताएंगे लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है। एनीवन कोई क्लास में है, क्योंकि आपने वेक्टर्स एंड 3D काफी सारा हायर लेवल पे पढ़ा है, मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि अगर कोई लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास करती है जिसका पोजिशन वेक्टर है ए और वो लाइन किसी गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है, तो बताएंगे आप कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है। एनीवन कौशिक ही बता सकती हो बेटा, कोई बता सकता है इसका जवाब, अदिति बता सकती हो बेटा, अमन बता सकते हो, ओके नहीं बता सकते आप लोग। तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ध्यान से देखिए अगर कोई लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, तो वो जो लाइन है
उस लाइन की इक्वेशन होगी R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो ये लाइन का कौन सा हो गया, ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये क्या हो गया, इसको आप रीराइट कर लो, दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through fixed point having position vector A and parallel to given line, तो line की equation क्या होगी, R is equal to A plus lambda B. This is your vector equation. अगर आप इस equation को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होती है, आप कहोगे सर इतना पढ़ाया गया था कि r की जगह हम पुट कर देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। a वेक्टर आपका हो जाता है एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, और ये लैम्डा टाइम्स, ये जो प्लस लैम्डा टाइम्स बी लिखा है, बी वेक्टर बेसिकली क्या होता है, वो होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। मतलब ये जो इसके डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वेक्टर या इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं, वो होते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आपको ये ध्यान देना होगा ये बी और ये बी अलग अलग है, मतलब इसमें कोई सेम नहीं होता है नाम, लेकिन हम बुक्स के नोटेशन यूज कर रहे हैं इसलिए हम वैसे लिख रहे हैं ताकि आप बुक्स में भी पढ़ें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं, अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में अगर वेक्टर्स हैं तो आप उनके आई जे के कॉम्पोनेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ आई का कॉम्पोनेंट होगा एक्स वन प्लस ए लैम्डा, यहाँ जे का कॉम्पोनेंट होगा वाई वन प्लस बी लैम्डा, यहाँ के का कॉम्पोनेंट होगा Z1 plus C lambda। अब बच्चों अगर दो वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके I के कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, है ना, J के कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे और K के कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। और बच्चों अगर आप तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी X माइनस X1 अपॉन A, यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी Y माइनस Y1 अपॉन B, और यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये तीनों ही बच्चों लैम्डा है। तो बच्चों मैंने आपसे क्या अपनी देर में डिस्क्राइब किया, मैंने डिस्क्राइब किया आपके पास एक इक्वेशन है जिसको आप कह सकते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, और एक इक्वेशन मैंने आपके साथ डिस्क्राइब की जिसको आप कह सकते हैं वेक्टर इक्वेशन। तो क्या ये कंसेप्ट समझ में आया कि वेक्टर इक्वेशन आप लाइन की कैसे लिखते हैं जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और एक गिवन लाइन के पैरेलल हो जिसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर है बी। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को, आ गया समझ में? चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। अब बच्चों आपसे मैं पूछता हूं इक्वेशन, सब बच्चे अब यहां पर ध्यान देंगे, लिखना स्टार्ट करिए, लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two points, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको बतानी। कैसे बताएंगे, क्या ये कंसेप्ट पढ़ा है, ये पॉइंट हो गया x1 y1 z1, ये पॉइंट हो गया x2 y2 z2, इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। आपको वेक्टर इक्वेशन भी लिखनी है और कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखनी है। कैसे लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a, ठीक है। और कार्टेशियन इक्वेशन होती है बच्चों आपकी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो बच्चों मैंने आपको
दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों आपको इंडिकेट कर दिए। ये दोनों आपको याद रखनी होगी डायरेक्टली, इसकी प्रूविंग की कोई नीड नहीं। समझ में आया बच्चों? चलो तीसरा कंसेप्ट भी याद रख लो। तीसरा कंसेप्ट के लिए सबसे पहले हेडिंग डालोगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या कंसेप्ट होता है? एक लाइन ये है और ये लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है। ध्यान से देखिएगा, ये एक लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, और ये गिवन लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन वेक्टर है बी। अब आपके पास एक दूसरी लाइन है, ठीक है, ये दूसरी लाइन आपकी, ये लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वन, ठीक है, और ये वाली लाइन भी किसी गिवन लाइन के पैरेलल है जिसका वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर है बी टू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं, किन दो लाइंस के बीच का, एक लाइन है आपकी ये वाली जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा टाइम्स बी वन, और दूसरी लाइन है आपकी ये जिसकी इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा टाइम्स बी टू, ठीक है। अगर आप इन दो लाइंस की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे? वो तो इक्वेशन आपको पहले ही से पता है। अब आपको क्या निकालना है? एंगल। एंगल कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर ये जो दो लाइंस है, इन दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा, इन दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो वही एंगल होगा जो इन दो डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, ठीक है, समझ में आया? तो आपके पास ये दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल वही होगा जो इनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा थीटा। इसका मतलब अगर आपके पास दो लाइंस गिवन है, उनके डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना, उन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का मतलब ये है कि वो दो लाइंस जिन दो वेक्टर्स के पैरेलल है उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लीजिए, तो आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस निकल करके आ जाएगा। समझ में आई बात? कैसे लिखते हैं एंगल निकालने के लिए? क्या लिखेंगे? पहली लाइन किसके पैरेलल है? बी वन के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बी वन और बी टू के बीच का एंगल निकालना है। और किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट। तो लिखेंगे मॉड ऑफ बी वन मॉड ऑफ बी टू कॉस थीटा। तो यहां से बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा बी वन डॉट बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन मॉड ऑफ बी टू। इसका मतलब थीटा आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स बी वन डॉट बी टू होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वन मॉड ऑफ बी टू। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो बच्चों ये दो लाइन्स के बीच का एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं तो थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा 90 होने का मतलब उन दो लाइंस का जो बी वन डॉट बी टू है अगर वो जीरो हो गया तभी थीटा 90 होगा, और डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जीरो हो गया। अगर डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जीरो है तो उसका मतलब लाइंस क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो उसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो बच्चों एंगल निकालने के लिए आप जो कंसेप्ट यूज करना है वो मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया, न याद रख पाए तो सीधा फॉर्मूला स्टैंडर्ड समझ लीजिए, इसी को आप याद रखिए, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस।
अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इसके आगे काम करना है, हमको देखना है कि यहां पर स्क्यू लाइंस का क्या कंसेप्ट होता है। हेडिंग डालेंगे स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है नॉन पैरेलल लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी स्क्यू लाइंस है, मैं उसको बना करके दे रहा हूं आप। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। अगर आपको इन दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग एस डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या पूरा पूरा हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी लिखते हैं। तो दो नॉन पैरेलल लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हम किस तरह से लिखते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस लाइन की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स बी वन। इस लाइन की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए टू प्लस न्यू टाइम्स बी टू। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो आप लिखते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जिसको हम लोग एस डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ये बच्चों आपको याद रखना होगा, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको ये स्टैंडर्ड यूज करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों अगर मान लीजिए ये स्क्यू लाइंस ना हो करके पैरेलल लाइंस हो गई, अगर ये स्क्यू लाइंस ना हो करके कैसी लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई, तो पैरेलल लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या जिसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं वो आप कैसे निकालेंगे वो आपको समझनी होगी। ये आपकी दो पैरेलल लाइंस है, इसकी इक्वेशन हो गई आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन। अब इसकी इक्वेशन हो जाएगी आर इज इक्वल टू ए टू प्लस न्यू बी टू। अब बी टू की जगह भी बच्चों यहां पे बी वन ही होगा, क्यों भाई, क्योंकि अगर ये पैरेलल हैं तो दोनों के बी वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे।
ये बच्चों आपका 11.2 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें लिखा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। तो बच्चों ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, या आपको शो करना है आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन के जो पॉइंट्स हैं, दिस इज 1-1, 2 और ये है 3-4-2, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, 0-3-2 एंड 3-5-6 इसके परपेंडिकुलर है। और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले हम नाइन लाइंस का नाम देते हैं, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है बी सी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी सी, चलिए बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल होंगे, बताया था ना कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं मन में, एज्यूम कर लेते हैं x1 y1 z1, इसको मन में एज्यूम कर लो x2 y2 z2, x2 - x1 यानी कि 3-1 4+1 -2 -2, ठीक है। तो किसके प्रोपोर्शनल हुए, 2, 5 और -4। सिमिलरली अब आप क्या करिए, डायरेक्शन रेशियो किसके निकालेंगे, लाइन ए बी के। तो इसको मान लीजिए x1, मैं लिख देता हूं x1 y1 z1, इसको लिख लीजिए x2 y2 z2, ठीक। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, चलिए निकालिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी इज प्रोपोर्शनल टू x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। समझ में आया यहां तक, बताओ भाई। तो ये किसके आए बच्चों प्रोपोर्शनल, ये आए हैं 3, 2, 4। अब बच्चों डायरेक्शन रेशियोज दोनों लाइन के आ गए हैं, अब इनका प्रोडक्ट आप क्या करोगे, जीरो कर दोगे। कैसे करोगे जीरो, जैसे अगर इसका प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाएगा तो आपके पास क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो स्टार्ट करें, दिस इज 2 × 3 + 5 × 2 + -4 × 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जीरो आए, इसका मतलब ये लाइंस क्या है आपस में परपेंडिकुलर, ये लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ये बात यहां पर प्रूफ होगी। समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन, चलिए बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़े पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट वेट, तो बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, स्टार्ट करिए। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहली लाइन, ये आपकी दूसरी लाइन, आपको शो करना है ये आपस में क्या है पैरेलल। तो ये है आपका पॉइंट 4, 7, 8, ये पॉइंट है 2, 3, 4, ये पास हो रही है -1, -2, 1 से, ये पास हो रही है 1, 2, 5 से, ठीक है। तो आप क्या करिए, ए बी लाइन के निकाल लीजिए, फिर सी डी लाइन के निकाल लीजिए। चलिए ए बी लाइन के बताएंगे डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी इज प्रोपोर्शनल टू, बताइए भाई कैसे लिखे। इसको मान लीजिए x1 y1 z1, इसको मान लीजिए x2 y2 z2, कैसे लिखते हैं, 2 - 4 3 - 7 और फिर 2 - 4 3 - 7 और 4 - 8, ये हो गया।
ये हो गया माइनस टू, माइनस फोर और माइनस फोर, ठीक है। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के बाद हम सी डी के निकालते हैं। इसको मान लीजिए एक्स वन वाई वन जेड वन, ये हो गया एक्स टू वाई टू जेड टू। चलिए स्टार्ट करिए, बताइए जल्दी से क्या है। वन प्लस वन, टू प्लस टू, फाइव माइनस वन, क्या आया बच्चों? ये आया टू, फोर और फोर। तो आप देख सकते हैं कि एक का अगर हम डायरेक्शन वेक्टर लिखते हैं, अगर आप डायरेक्शन वेक्टर लिखेंगे तो क्या आ रहा है? वो आ रहा माइनस टू आई कैप, माइनस फोर जे कैप, माइनस फोर के कैप। और दूसरा अगर आप डायरेक्शन वेक्टर लिखते हैं तो आ रहा टू आई कैप, फोर जे कैप, फोर के कैप। तो आप ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर यानी जो बी वन वेक्टर है वो माइनस टाइम्स बी टू वेक्टर है। यानी ये आ गया ना रिलेशन, यानी एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। इसका मतलब लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। हेंस लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। लाइंस आपकी क्या हो गई? पैरेलल हो गई। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर जो थ्री वाला है वो फिनिश हो गया, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर थ्री फिनिश। तो मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों को समझ में आए होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री अभी आपका जस्ट फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आ रहे हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फोर। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, स्टार्ट करिए करने के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू वेक्टर दिस, ठीक है। तो बच्चों आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और जो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो कहोगे सर काफी कुछ इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सर ये लाइन जिससे पास कर रही है वो पॉइंट आपको पता है 1, 2, 3, तो ये बन जाएगा वेक्टर है। और जिसके पैरेलल है वो वेक्टर बी भी आपको गिवन है, वो है 3i 2j माइनस 2k। दैट मीन्स सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गई, ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया जो आपने आज पढ़ाया था। तो उसमें लाइन की इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो a आपका हो गया i कैप, 2j कैप, 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया। और अगर आपको इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। और अगर आप सर कार्टेशियन इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हैं आप। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये हो गया। ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन दोनों आ गए। समझ में आ गया सबको? फोर्थ क्वेश्चन फिनिश। चलिए फोर्थ के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फाइव। रीड करिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज इन डायरेक्शन दिस। कहोगे ये तो सर सेम इक्वेशन हो गई, क्योंकि लाइन जिससे पास कर रही है और जिसके पैरेलल है, जिसके डायरेक्शन में है, वो दोनों ही गिवन है। तो लाइन जिससे पास कर रही है वो सर वेक्टर ए होता है, जिसके पैरेलल होती है वो बी होता है। दैट मींस यहाँ पे सर सारा डाटा गिवन है। वेक्टर ए है आपका 2i माइनस जे प्लस 4k, और वेक्टर बी आपका गिवन है i प्लस 2j माइनस k। तो सबसे पहले हम वेक्टर इक्वेशन जो भी बताई थी वही लिख देते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बताई थी? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। b वेक्टर क्या है? i कैप, 2j कैप, माइनस k कैप। और कार्टेशियन इक्वेशन की भी बताई थी,
तो कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख देते हैं, क्या होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, c क्या है आपका माइनस वन, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन दोनों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की कंप्लीट करके दे दी है, समझ में आ गया यहां तक, क्यों भाई बच्चों समझ में आया? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की तरफ, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ को भी कर लेते हैं, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू द दिस एंड पैरेलल टू अ लाइन। तुम कहोगे सर ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है, तो आपको सर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है माइनस टू फोर माइनस फाइव के, और ये वाली लाइन एक गिवन लाइन के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन है जो आपके पास गिवन है वो उसकी इक्वेशन पहले से है, इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो तुम कहोगे सर इस रिक्वायर्ड लाइन के, ठीक है ना, रिक्वायर्ड लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो तो हमको पहले से ही पता है, क्योंकि ये जिस लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो 3, 5 और 6 है, तो जो जिस लाइन के पैरेलल है तो वही इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो सर इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल होंगे, 3, 5 और 6 के। तो उस लाइन की सर इक्वेशन हो गई, ये आपका पॉइंट हो गया x1 y1 z1, इक्वेशन हो गई x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। उसको हम यूज कर लेते हैं, ये बन जाएगा x प्लस 2 अपॉन 3 y माइनस 4 अपॉन 5 z प्लस 5 अपॉन 6, ये सर इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है, समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ हो गया, चलिए सिक्स्थ हो गया, आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। चलिए भाई सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, सेवेंथ क्वेश्चन आपका आ गया, क्या लिखा है पढ़िए, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट इन वेक्टर फॉर्म। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गए हैं, x माइनस 5 बाय 6 इज इक्वल टू y माइनस माइनस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। तो उसको जब कंपेयर करोगे किससे कंपेयर करना है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c से कंपेयर करेंगे, तो आपके पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू a, a की जगह बच्चों आपका ये वेक्टर आएगा प्लस लैम्डा टाइम्स b, b की जगह आएगा 6i कैप 7j कैप 2k कैप, ये आपका आंसर हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्या आप लोग को समझ में आ रहा, सेवेंथ क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया। सेवेंथ के बाद आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज योर एट्थ क्वेश्चन, लिखा है फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। तो ये तो सीधा सीधा कंसेप्ट ये होगा कि दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है इसमें, ठीक है, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है सीधी सीधी, तो आप लिख लीजिए उसमें से एक पॉइंट आपका क्या है, एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन हो गया यानी कि 0, 0, 0, और दूसरा पॉइंट आपका हो गया मान लो पॉइंट है ए, वो है आपका 5 माइनस 2, 3। तो भैया
ये तो हमने बताया था, ये हो गया एक्स वन वाई वन जेड वन लिख लो, इसको एक्स टू वाई टू जेड टू लिख लो। तो हमने दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। यानी लाइन की इक्वेशन हो गई x अपॉन फाइव इज इक्वल टू y अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू z अपॉन थ्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज तो अभी इजी ही चल रही है, फिर ये थोड़ी देर में डिफिकल्ट मोड में भी पहुंच जाती है। तो जो भी नेक्स्ट टर्न आएगा उस नेक्स्ट टर्न पे आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट मोड पे पहुंच जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ भी है सेम एज क्वेश्चन जो नंबर अभी हम लोग ने पहले किए, एट्थ वगैरह टाइप के क्वेश्चन, सेवेंथ वगैरह टाइप के क्वेश्चन, ये उन्हीं में से ही है। अब हम लोग कर लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स का कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया। तो उसका पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस का। ठीक है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट, इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको समझा दिया था। अब आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों यहां पर हम लिखेंगे बी वन वैक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था एंगल निकालने का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यह है कि आप b1 और b2 के बीच का एंगल निकाल दो। तो b1 वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और b2 वेक्टर हो गया आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2t कैप। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है बच्चों, निकालना है b1 डॉट b2, निकाल लिए b1 डॉट b2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, ये हो गया 3 प्लस 4 प्लस 12, ये हो गया 7 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 90। तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है कॉस इनवर्स बी वन डॉट बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन मॉड ऑफ बी टू, ये बताया था ना मैंने। तो बच्चों मॉड ऑफ बी वन मॉड ऑफ बी टू आप अलग से निकाल लो, तो मैं आपको निकाल देता हूं मॉड ऑफ बी वन होगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो ये बच्चों हो गया 7। उसी तरीके से बच्चों बी टू निकाल लो, बी टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो गया 9, 9 का हो जाएगा 3। इसका मतलब बच्चों आपका एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ बी वन डॉट बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन इंटू मॉड ऑफ बी टू, यानी कि आपका जो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकल के आया है वो है कॉस इनवर्स ऑफ 19 अपॉन 21। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये बच्चों कंसेप्ट था एंगल बिटवीन टू लाइंस का, जिसको आपने सक्सेसफुली किया। तो आप इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। सभी बच्चे इसको दोबारा एक बार फिर से रिव्यू करें और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हैं अभी भी। This is a concept of angle between two lines. This is a concept of angle between two lines. I think सभी को ये part clear हो गया है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया?